ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे वॉलपेपर बनकर तैयार हो गया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कार्डबोर्ड और पेपर से पेपर ट्री वॉलमेट बनाकर दिखाऊंगी। वॉलमेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक ग्रीन कलर का पेपर ले लेना है और उसे बीच में से कट कर देना है। कट हो जाने पर हमें ऊपर नीचे इसे एंड तक फोल्ड करते जाना है। फोल्ड हो जाने पर हमें क्या करना है, इसे बीच में से इसे ऊपर के साइड में फोल्ड कर देना है और इसको फेविकॉल लगाकर इसे अच्छे से फिक्स कर देना है। ये फिक्स हो जाने पर हमें क्या करना है, ऊपर के साइड में जो एक्स्ट्रा का पोर्शन है उसे हमें सीजर की मदद से कट कर देना है। अभी ये एक पत्ती बनकर तैयार हो गई है, ऐसे ही हमें बहुत सारी पत्तियाँ बना लेनी है। अभी हमें क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है और उसी साइज़ का एक वाइट पेपर लेना है। पेपर को कार्डबोर्ड पर अच्छे से फेविकॉल से चिपका देना है। ये चिपक जाने पर हमें इसे थोड़ी देर तक प्रेस करते रहना है। वाइट पेपर को कार्डबोर्ड पर लगाने से पहले ही हमें ट्रिका स्केच निकाल लेना है और बाद में हमें उसे ब्लैक स्केच पेन से फेयर करते जाना है। हमें इसे धीरे धीरे करके ही फेयर करते जाना है, ये थोड़ा भी बिगड़ना नहीं चाहिए। जो हमने स्केच किया था उसी पर ही हमें स्केच पेन से कलर कर देना है और ये कलर हो जाने पर हमें क्या करना है, वाटर कलर लेना है और वाटर कलर के मदद से ही पूरे ट्री को कलर कर देना है। मैं ब्राउन कलर में कलर कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्लैक कलर में भी कलर कर सकते हो। ये कलर कर हो गया है। अभी हमें क्या करना है, एक वाइट पेपर लेना है और वाइट पेपर का पेपर रोल बना लेना है। मैं डोरमेट बनाने वाली सुई यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथों से भी इसे बना सकते हो। हमें एंड तक ऐसे रोल करते जाना है और बाद में फेविकॉल से चिपका देना है। हमें ऐसे चार पेपर रोल बनाने हैं और हमें क्या करना है, जो हमने फ्रेम बनाई थी उसी साइज़ में इसे कट कर देना है। दो बड़े कट करने हैं और दो छोटे कट करने हैं। ये कट कर हो गया है। अभी हमें पेपर रोल का साइज चेक कर लेना है और बाद में इसे वाटर कलर से कलर कर देना है। मैं ब्लैक कलर से कलर करूँगी, आप चाहे तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। हमें इसे बहुत ही डार्क कलर करना है क्योंकि इस पर डार्क ही बहुत ही अच्छा दिखेगा। चारों पेपर रोल को ऐसे ही हमें डार्क कलर करना है। ये देखिए, ये कलर कर हो गया है। अभी हमें क्या करना है, जो हमने फ्रेम बनाई थी उसके चारों साइड में हमें पेपर रोल को चिपकाना है। तो हमें पहले फेविकॉल लगा देनी है चारों साइड में, ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा ही लगानी है। और बाद में पहले हम बड़े वाले पेपर रोल चिपकाएंगे और बाद में छोटे वाले पेपर रोल चिपकाएंगे। तो हमें इसका परफेक्ट साइज़ ले लेना है। मैंने जो पहले साइज़ लिया था लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए मैं अभी और इसका साइज़ देख कर ही इसे चिपकाऊँगी। बड़ा हो जाएगा तो इसे कट कर लूँगी। ऐसे ही पेपर रोल को हमें ऊपर और नीचे चिपका देना है और जो एक्स्ट्रा का पोर्शन है पेपर रोल का उसे कट कर देना है। ये देखिए, पूरे पेपर रोल को हमने चिपका दिया है। अभी हमें क्या करना है, जो हमने लूज बनाए थे उसे भी हमें एक एक कर ट्री पर लगाने हैं। जो हमने ट्री निकाला था उसके डालियों पर जितनी भी डाली है उसके एंड में हमें एक एक लूज लगाने हैं। हमें ये थ्री पेयर में लगाने हैं। पहले बीच में हमें बड़ा वाला लूज लगाना है और उसके दोनों साइड में छोटे वाले लूज लगाने। ऐसे ही हमें पूरे ट्री को एक एक करके लूज लगाते जाना है। जब तक मैं ये पूरे ट्री को लूज लगा रही हूँ तब तक प्लीज़ मेरे आप एक बात सुन लो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और आपको ये वॉलमेट कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच मेरी ये बात सुनने के लिए। अभी हमें क्या करना है, पूरे ट्री पर एक एक करके पत्तियाँ लगा दी जानी है। जो हमने छोटी वाली डालियाँ निकाली है उस पर हमें एक एक ही लूज लगानी है और जो बड़ी वाली डालियाँ है उस पर हमें तीन लूज लगानी है। बीच में बड़ी लूज लगानी है और दोनों साइड में छोटी लूज लगानी है। ऐसे ही हमें पूरे इसको लूज लगाते जाना है और सभी लूज को हमें ज़्यादा से ज़्यादा फेविकॉल लगानी है। हम ज़्यादा फेविकॉल लगाएंगे तो ये जल्दी चिपक जाएगा, कम लगाएंगे तो इसे थोड़ी देर लगेंगी चिपकने में। और आपको ये ध्यान रखना है कि लूज लगाते वक्त लूज फ्रेम के बाहर ना जाए, फ्रेम के अंदर ही हमें लूज को लगाना है, जिससे कि हमारी फ्रेम बहुत ही अच्छी दिखेंगी और परफेक्ट बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे ट्री को लूज लगा कर हो गए हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है, इसे वॉल पर लटकाने के लिए पीछे के साइड में हमें एक धागा लगाना है। मैं उलन का धागा यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी धागा यूज़ कर सकते हो।
फ्रेम के पीछे के साइड में हमें पहले फेविकॉल लगानी है और फिर उलन का धागा लगाना है, और उलन का धागा निकलना नहीं चाहिए, इसके लिए हमें उस पर एक पेपर को चिपकाना है जिससे कि ये फिक्स हो जाएगा। अभी हमारा वॉलमेट वॉल पर लटकाने के लिए रेडी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे वॉलमेट बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।